प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 मई को लॉकडाउन के खत्म होने से कुछ दिन पहले लॉकडाउन 4 के बारे में बताया और कोरोना वायरस के संकट के समय में जब देश की आर्थिक स्थिति मुश्किलों से गुजर रही है, उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। ये पैकेज उन्होंने कुटीर, गृह, लघु मंझले उद्योग और एमएसएमई के लिए किया जो लॉकडाउन के इस दौर में सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद टेक्सटाइल उद्योग में काम करने वालों ने कहा कि मोदी जी ने ये अच्छा फैसला लिया, लेकिन आज तक हमें ऐसे आर्थिक पैकेजों का कोई लाभ नहीं मिला। पीएम मोदी के इस पैकेज में एमएसएमई को बढ़ावा मिलना चाहिए। कल प्रधानमंत्री जी ने हमको 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, वो स्वागत योग्य है, पर वो हमें कुछ समझ नहीं आया। जैसे उन्होंने बोला, जो पहले हम ऑलरेडी पैकेज दे चुके हैं वो भी इंक्लूड होगा। हमारी एमएसएम इंडस्ट्री, जो छोटी इंडस्ट्री है, उसको इसमें कितना शेयर मिलेगा अभी तक क्लियर नहीं है। वो उन्होंने सारा कुछ फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर डाला, वो आके आपको क्लियर करेंगे। हमारी छोटी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उसके बैंक के जो हमारे इंटरेस्ट पड़ रहे हैं वो माफ किए या नहीं किए, बिजली के बिल माफ किए कि ना किए, जो लेबर है हमारी जो गांव को जा रही है उनके लिए उन्होंने क्या सोचा है। ये हमारी डिमांडे थी, जो हमारी डिमांड्स पूरी हुई या नहीं अभी क्लियर नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारे एमएसएमई सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा इसमें योगदान दें। जो आज फाइनेंस मिनिस्टर जी आज या कल में आके कह रहे हैं, हमारी जो छोटी इंडस्ट्री, समाज की इंडस्ट्री, जो हमारी 15-20 हजार हौजरी की इंडस्ट्री है, वो तभी सर्वाइव कर सकती है अगर प्रधानमंत्री जी इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, हम इसका स्वागत करते हैं। बहुत ही अच्छी पैकेज है, लेकिन इनकी इम्प्लीटेशन में बहुत फर्क है। इन्होंने इंक्लूडिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मिला 20 लाख करोड़ है, तो पीछे जो आरबीआई ने जो गाइडलाइन दी थी वो सिडबी और नवार्ड को दिया था। इंडस्ट्री ने उस दौरान बहुत कोशिश की, लेकिन किसी को एक नए पैसे का बेनिफिट नहीं हुआ। आपसे ये जो पैकेज दिया है ये बहुत अच्छा पैकेज नजर आ रहा है, पर इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होगी वो किसी को कोई पता नहीं, क्योंकि जितने भी आज तक घोषणाएं हुई हैं उस पर पूरा अमल नहीं किया गया। वो घोषणाएं सिर्फ घोषणाएं रह जाती हैं। हम बहुत छोटे यूनिट्स में काम करते हैं, माइक्रो यूनिट्स हैं, उनमें लेबर की भी प्रॉब्लम है, हर चीज की प्रॉब्लम है। किसी को लेबर को क्योंकि पैसे नहीं मिल रहे इसलिए वो काम नहीं कर रहा, वो सब गांव को जा रहे हैं। इससे इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, और ये पैकेज ज्यादा माइक्रो इंडस्ट्री को भेजना चाहिए, तभी ये इंडस्ट्री उठ पाएगी, माइक्रो इंडस्ट्री बिल्कुल तालाबंदी हो जाएगी। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि ये आर्थिक पैकेज किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग के लिए है जो ईमानदारी से टैक्स भरते हैं और देश में योगदान देते हैं।